Good morning, student. Today we will discuss about rate analysis of different items. Okay, so in this module we have two different different rate analysis for different activities. Okay, so in next slide, in this slide we have to talk about earthwork excavation up to 1.5 meter depth for 10 meter cube. So इस वीडियो सेशन में और इस स्लाइड में हम देखेंगे अर्थवर्क एक्सकेवेशन 1.5 मीटर डेप्थ के लिए फॉर 10 मीटर क्यूब क्वांटिटी. ओके, तो इस स्लाइड में यहाँ पे अर्थवर्क एक्सकेवेशन डेप्थ की बात करें तो यहाँ पे पर्टिकुलर पहला कॉलम दिया गया है पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम दिया गया है क्वांटिटी और नंबर, उसके बाद तीसरी कॉलम है रेट इन रुपीज, फोर्थ कॉलम वो जो एक्टिविटीज है वो किस में मेजर की जाएगी, और उसके बाद जो लास्ट कॉलम और फिफ्थ कॉलम है वो है अमाउंट. ओके, तो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन अप टू 1.5 मीटर डेप्थ की बात करें तो उसमें पहले लेबर की बात की जाए तो क्या है, तो कि लेबर डिफरेंट लेबर वो उसकी रिक्वायरमेंट हमें उसमें होगी. तो पहला है मेल कुली, उसके बाद है फीमेल कुली, थर्ड वन है सनड्राई. ओके, सो मेल कुली 1.5 मीटर डेप्थ फॉर 10 मीटर क्यूब के लिए मेल कुली की रिक्वायरमेंट है, दो नंबर ऑफ मेल कुली चाहिए और उसका रेट पर डे का 200. सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 400. तो 10 मीटर क्यूब के लिए जो मेल कुली की रिक्वायरमेंट है वो है 2 और उसका पर डे का जो रेट है 200. सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 400. उसके बाद सेकंड है फीमेल कुली, क्वांटिटी एज वेल एज नंबर ऑफ टू फीमेल कुली रेट 180. सो 180 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 360. एंड सनराइज अमाउंट मे बी टेकन एज 20. सो हियर टोटल इज 400 प्लस 360 प्लस 20, इट मीन्स 780. सो 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, सो 780 मल्टीप्लाइड बाय 0.10 तो मिलेगा हमको 78. सो 780 प्लस 78 इज इक्वल टू 858 रेट फॉर 10 मीटर क्यूब, एंड रेट फॉर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 85.8. ओके, सो इस स्लाइड में हमने देखा कि अर्थवर्क एक्सकेवेशन जो करेंगे 1.5 मीटर डेप्थ के लिए तो उसमें हमको पर मीटर क्यूब में 85.8 रुपीस लगेगे. ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड, इन दिस स्लाइड वी हैव टू टॉक अबाउट सैंड फिलिंग इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ फॉर 10 मीटर क्यूब. सो इन दिस स्लाइड फर्स्ट कॉलम इज टेकन एज सेम एज प्रीवियस स्लाइड, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी नंबर रेट पर एंड अमाउंट. ओके, सो हियर वी हैव टू टेकन मटेरियल सैंड एंड सैंड क्वांटिटी इज 10 मीटर क्यूब एंड रेट 800. सो 800 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 8000 एंड सनराइज इन अमाउंट 20 अमाउंट. सो टोटल मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू 8000 प्लस 20 यानी कि 8020. और बात की जाए लेबर की तो लेबर क्या आएगा, तो लेबर उसमें मेल कुली, फीमेल कुली, भिस्ती एंड सनराइज. तो मेल कुली की बात की जाए तो मेल कुली नंबर ऑफ क्वांटिटी 1, रेट 200. सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 200. सेकंड फीमेल कुली 1 मल्टीप्लाइड बाय 180, सो टोटल अमाउंट इज 180. एंड भिस्ती 0.5 मल्टीप्लाइड बाय रेट है उसका पर डे का 200. सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 यानी कि 100 रुपीज. एंड सनराइज इज अ 20 रुपीज. सो दिस टोटल इज 200 प्लस 180 प्लस 100 प्लस 20 यानी कि लेबर कॉस्ट हमको मिलेगा 500 रुपीज. सो मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू 8020 प्लस 500 यानी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 8520. एंड
एड 1.5% वाटर चार्जेस, सो 8520 मल्टीप्लाइड बाय 1.5%, सो मीटिंग वैल्यू इज 128 एंड एड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट ऑफ टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है हमारा 8520 मल्टीप्लाइड बाय 10%, सो 852 एंड रेट फॉर 10 मीटर क्यूब इज इक्वल टू रुपीज 9500, सो रेट फॉर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू मीटिंग वैल्यू इज 950। यानी कि सैंड फिलिंग इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ फॉर 10 मीटर क्यूब की बात की जाए तो उसमें हमको 1 मीटर क्यूब के लिए 950 रुपीज लगेगा। ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी टॉक अबाउट ब्रिक बेड सीमेंट कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन एंड शॉर्ट फॉर्म इज B.B.C.C एंड प्रपोर्जन इज 1 part सीमेंट, 5 part सैंड एंड 10 part एग्रीगेट फॉर 10 meter cube। ओके, सो डिफरेंट 5 columns आर टेकन। फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम इज क्वांटिटी और नंबर, थर्ड कॉलम रेट इन रुपीस, फोर्थ कॉलम जो क्वांटिटी हम मेजर किस यूनिट में करेंगे एंड फिफ्थ कॉलम इज अमाउंट इन रुपीस। सो ब्रिक पेट सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, तो उसमें मटेरियल और लेबर हम डिवाइड करते हैं। तो मटेरियल में क्या मटेरियल आएगा, तो ब्रिक बेड, सैंड, सीमेंट, वो सब मटेरियल में आएगा। तो 10 मीटर क्यूब की बात की जाए तो 10 मीटर क्यूब में उसका जो ब्रिक बेड है वो 10 मीटर क्यूब क्वांटिटी लेते हैं और 800 रुपीस उसका रेट लेते हैं, तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 8000 रुपीस मिलेगा। उसके बाद सैंड 5 मीटर क्यूब और जो उसका रेट है वो है 800, सो 800 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि मिलेगा हमको 4000 रुपीस। सीमेंट 29 bags and per each bag is rate is 280, so 280 multiplied by 29 is equal to 8120 plus sunrise charges may be taken as 50 rupees. So this 4 amount addition and meeting value is 20170. 8000 प्लस 4000 प्लस 8120 प्लस 50 यानी कि जो टोटल मटेरियल कॉस्ट आएगा वो आएगा 20170। उसके बाद बात की जाए लेबर की, तो लेबर में मेल कुली, फीमेल कुली, भिस्ती एंड सनराइज। तो 10 मीटर क्यूब ब्रिक बीबीसीसी वर्क के लिए 3 मेल कुली की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसका जो पर रेट है पर डे का वो है 200 रुपीज, सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 600। फीमेल कुली 6 क्वांटिटी, 6 नंबर ऑफ फीमेल कुली एंड रेट इज 180, सो 180 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 1080 एंड भिस्ती 200 रेट और 2 नंबर ऑफ भिस्ती 2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 200 यानी कि 400 मिलेगा, 4 प्लस 50 रुपीज सनराइज, सो टोटल लेबर कॉस्ट इज 2130 रुपीज। सो टोटल मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू 20170 प्लस 2130, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 22300 रुपीज एंड एड 1.5% वाटर चार्जेस, सो रुपीज 335 एंड 8-10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट यानी कि 2230 रुपीज। ओके, सो टोटल वैल्यू जो हमको मिले हैं वो टोटल वैल्यू हमको मिलेंगी 24865 एंड रेट फॉर 1 मीटर क्यूब वो हमको मिलेगा 2487 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे जो बीबीसीसी की डिटेल्स में बात की जाए तो बीबीसीसी जो उसका सीमेंट वो 29 बैग से वो किस तरीके से आया और उसका जो सैंड है वो वहाँ पे सैंड 5 मीटर क्यूब है वो किस तरीके से आते हैं, उस कैलकुलेशन के लिए अगर हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है
वो भी कर सकते हैं। सपोज इफ वी हैव टू टेकन अबाउट ब्रिक बेड सीमेंट कॉन्क्रीट, द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक बेड्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट एंड फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट 10 मीटर क्यूब ब्रिक बेड्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि जो हमको 10 मीटर क्यूब में जो बीबीसीसी एक्टिविटी करना है तो उसके लिए ब्रिक बेड है वो सेम क्वांटिटी का ही आएगा, यानी कि 10 मीटर क्यूब आएगा। तो और उसका प्रोपोर्जन हमने यहाँ पे लिया है 1 पार्ट सीमेंट का, 5 पार्ट सेंट का और एग्रीगेट का 10 पार्ट। सो प्रोपोर्जन इज 1:5:10 एंड वॉल्यूम ऑफ सेंट इज 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक बेड्स। यानी कि 10 मीटर क्यूब ब्रिक बेड्स है तो सेंट आएगा हमारा 5 मीटर क्यूब, यानी कि ब्रिक बेड्स का ब्रिक बेड्स डिवाइड बाई 2 यानी कि 10/2 तो आएगा 5 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ सेंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब एंड सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज 1/5 ऑफ सो टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेंट। सो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की बात की जाए तो 1:5 है सीमेंट और सेंट का, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर क्यूब, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मिलेगा 1 मीटर क्यूब। और उसको 1/0.035 करेंगे तो वो हमको मिलेगा 29 बेग्स। तो इस तरीके से यहाँ पे 29 बेग्स है वो आया और 5 मीटर क्यूब है वो 10/2 यानी कि 5 मीटर क्यूब। और ब्रिक बेड्स है वो कितना आएगा, तो जो ये क्वांटिटी आएगी ब्रिक बेड की तो वो सेम क्वांटिटी ही आएगी। ओके सो इन नेक्स्ट स्लाइड वी टॉक अबाउट ब्रिक बेड सीमेंट कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन BBCC। ओके फॉर प्रोपोर्जन इज 1:4:8 यानी कि 1 पार्ट सीमेंट 4 पार्ट सेंड एंड एग्रीगेट का 8 पार्ट फॉर 10 मीटर क्यूब। सो इन दिस डिफरेंट 5 कॉलम्स आर टेकन एंड फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम इज क्वांटिटी, थर्ड कॉलम इज रेट, फोर्थ कॉलम इज जो उसका जो क्वांटिटी आएगी वो किस यूनिट में मेजर करेंगे, उसके बाद है वो है अमाउंट। तो फर्स्ट वन है वो है मटेरियल्स। तो डिफरेंट मटेरियल्स लाइक ए ब्रिक पेट, सैंड एंड सीमेंट है वो आएगा और सनराइज आएगा। ओके सो ब्रिक बेड, सैंड, सीमेंट एंड सनराइज आएगा। ओके और लेबर आएगा मेल कुली, फीमेल कुली, भिस्ती एंड सनराइज। तो 10 मीटर क्यूब की बात की जाए और उसका प्रोपोर्जन है 1 पार्ट है सीमेंट का, 4 पार्ट सेंड का और 8 पार्ट वो है एग्रीगेट का। तो ब्रिक बेड है वो आएगा 10 मीटर क्यूब एंड रेट है उसका 800। सो 800 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये जो रुपीस रेट है वो है 1 मीटर क्यूब का। सो 800 मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी कि 8000 मिलेगा। उसके बाद 5 मीटर क्यूब, सो उसका रेट है 800, तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 4000 रुपीस। और थर्ड वन जो है वो है सीमेंट, वो हमने आगे देखा कि किस तरीके से ये 29 बैग्स आया। ओके तो सीमेंट वो आएगा 29 बैग्स एंड एक सीमेंट बैग का प्राइस है 280, सो 280 मल्टीप्लाइड बाय 29, सो 10,080 रुपीस एंड 50 रुपीस सनराइज। सो 8000 प्लस 4000 प्लस 10,080 एंड 50 रुपीस यानी कि जो मटेरियल कॉस्ट आएगा वो आएगा 22,130 रुपीस। ओके तो इसका जो चारों का जो हम कैलकुलेशन करेंगे एडिशन तो वो आएगा 22,130। उसके बाद है लेबर, तो लेबर में मेल कुली, फीमेल कुली, भिस्ती एंड सनराइज। ओके सो जो मेल कुली की बात की जाए तो मेल कुली यहाँ पे नंबर ऑफ मेल कुली की रिक्वायरमेंट होगी 3 और उसका जो रेट है 200, सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 600। सेकंड वन फीमेल कुली, नंबर ऑफ फीमेल कुली 6 मल्टीप्लाइड बाय उसका जो रेट है वो है 180, सो 180 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1,080 रुपीज। थर्ड वन वो है भिस्ती और उसका रेट है 200 रुपीज, सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 400 रुपीज आएगा और सनराइज आएगा 50 रुपीज। सो जो इसका टोटल करे तो हमको मिलेगा 2,130 रुपीज। ओके सो मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट पर लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू
24,260 रुपीज हमको मिलेगा, और उसमें अगर हम 1.5% वाटर चार्जेस जो ऐड करेंगे तो हमको वो मिलेगा 364 एंड 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट वो आएगा 2,426 रुपीज एंड रेट फॉर 10 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 27,050 रुपीज. सो रेट फॉर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 2,705 रुपीज. ओके, सो एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सीमेंट बैग से वो कितना आता है, वॉल्यूम ऑफ सैंड है, वो प्रीवियस जो हमने स्लाइड में देखा उसी तरीके से इसमें भी यही आता है. ओके, सो इन दिस स्लाइड वी हैव टू टॉक अबाउट ब्रिक बेड लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन एंड प्रोपोर्शन इज 1:4:8. ओके, सो इन फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम क्वांटिटी नंबर, थर्ड कॉलम रेट, फोर्थ कॉलम वो जो आइटम है वो किस में मेजर करेंगे, और फिफ्थ कॉलम वो है अमाउंट. सो मटेरियल में ब्रिक बेड, सैंड, लाइम एंड सनराइज, एंड लेबर में मेल कुली, फीमेल कुली एंड भिस्ती. ओके, सो मटेरियल की बात करें तो उसमें आएगा ब्रिक बेड, सैंड एंड लाइम. तो ब्रिक बेड्स कितना आता है 10 मीटर क्यूब, और उसका रेट वो है 800 रुपीज. सो 800 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 8,000 रुपीज मिलेगा. उसके बाद आएगा सैंड, तो सैंड की क्वांटिटी है 5 मीटर की, उसका रेट है 800. सो 800 मल्टीप्लाइड बाई 5 यानी कि हमको मिलेगा 4,000 अमाउंट. उसके बाद लाइम, तो लाइम फॉर 10 मीटर क्यूब के लिए लाइम मिलेगा 1.25 मीटर क्यूब, और उसका रेट है वो है 1,000. सो 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 तो वो हमको मिलेगा 1,250 प्लस 50 रुपीज सनराइज. सो टोटल मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू 13,300 रुपीज मिलेगा. उसके बाद सेकंड वो है लेबर, तो लेबर है, तो लेबर में मेल कुली, फीमेल कुली, भिस्ती एंड ग्राइंडिंग ऑफ लाइम एंड सनराइज. तो मेल कुली, वो नंबर ऑफ मेल कुली है वो है 3, और उसका रेट है 200. सो 200 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 600 रुपीज अमाउंट मिलेगी. उसके बाद है फीमेल कुली, 6 नंबर ऑफ फीमेल कुली एंड रेट इज 180. सो 180 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1,080. उसके बाद है भिस्ती, तो भिस्ती उसका रेट है 200, क्वांटिटी और नंबर वो है 2. सो 200 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 400 रुपीज एंड भिस्ती वो जो आएगा उसका वो हमने देख लिया. उसके बाद ग्राइंडिंग ऑफ लाइम वो है लमसम 1,000 रुपीज एंड सनराइज प्राइस इज 50 रुपीज. सो टोटल लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू 2,130. सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 16,430. सो एड 1.5% वाटर चार्जेस वो रुपीज में मिलेगा 246. सो जो हमारा 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट की बात की जाए तो वो 1,643. सो रेट फॉर 10 मीटर क्यूब रुपीज वो आएगा 18,319 रुपीज एंड रेट फॉर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1,831 रुपीज वो हमको मिलेगा. ओके, तो उसका ये जो हमको जो प्राइस मिला है रेट फॉर 1 मीटर क्यूब का वो आता है 1,831 रुपीज. और जो 10 मीटर क्यूब बीबीएलसी की बात करें तो उसमें 10 मीटर क्यूब वो है ब्रिक बेड्स वो रिक्वायर होगी. ओके, सो प्रोपोर्शन वो हम लेते हैं 1:4:8. सो द वॉल्यूम ऑफ सैंड इज 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक बेड. सो वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू 5 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ लाइम इज 1/4 द वॉल्यूम ऑफ सैंड. सो वॉल्यूम ऑफ लाइम इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4. सो 5 डिवाइड बाय 4 यानी कि वो हमको लाइम का वॉल्यूम मिलेगा 1.25 मीटर क्यूब. ओके, सो द ग्राइंडिंग ऑफ सैंड एंड स्लेक लाइम टू फॉर्म लाइम मोर्टार फॉर प्रोपोर्शन 1:4 विल गिव द सेम क्वांटिटी ऑफ मोर्टार एज दैट ऑफ सैंड ड्यू टू द फैक्ट दैट
द पार्टिकल्स ऑफ स्लेक लैम्प विल ऑक्यूपाई द वॉइड्स इन सेंट पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेंट आएगा. सो फॉर मेकिंग लाइम मोर्टार मोर्टार लाइम एंड सेंट आर ग्राउंडेड एंड ब्लॉक घणी बरोबर ओके. सो इट इज एज्यूम्ड दैट वन घणी विल गिव अबाउट 1.70 मीटर क्यूब एंड ऑफ लाइम वॉटर इन वन डे. सो द नंबर ऑफ घणी इज इक्वल टू 5 मल्टी डिवाइड बाय 1.70 सो इज इक्वल टू 3. सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग मोटर इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ घणी इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 900 रुपीज वो हमको मिलेगा. सो कॉस्ट ऑफ मेकिंग मोटर तो उसका ग्राइंडिंग ऑफ लाइम हमने लंप सम लिया है वो लिया है 1000 रुपीज वो लेबर में लिया है ओके. सो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सीमेंट कंक्रीट 1 gem 4 gem 8 इन फाउंडेशन फॉर 10 मीटर क्यूब ओके. सो उसमें 5 कॉलम फर्स्ट वन पर्टिकुलर सेकंड क्वांटिटी थर्ड वन रेट फोर्थ वन पर एंड फिफ्थ वन अमाउंट पहला मटेरियल और दूसरा है लेबर. सो मटेरियल में एग्रीगेट सैंड सीमेंट एंड सनराइज एंड लेबर में मिस्त्री मेन मेसन मेसन मेल कुली फीमेल कुली बिस्ती एंड सनराइज. सो सीमेंट में एग्रीगेट आता है 9.36 मीटर की वो उसका जो रेट वो है 1000 रुपीज. सो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 9.36 सो 9360 रुपीज. उसके बाद सेंड तो सेंड कितना आता है 4.68 मीटर क्यूब सो उसका रेट है 800 तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 4.68 यानी कि 3744 एंड जो सीमेंट आता है वो आता है 34 बैग्स और एक बैग्स का जो रेट वो है 280 रुपीज. सो 280 मल्टीप्लाइड बाई 34 इट मीन्स अमाउंट इज 9520 रुपीज प्लस सनराइज अमाउंट इज 50 रुपीज. सो टोटल मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू 9360 प्लस सेंट प्राइस 3744 प्लस सीमेंट प्राइस 9520 प्लस 50 इट मीन्स टोटल मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू 22674 रुपीस एंड लेबर की बात करें तो लेबर में मिस्त्री मेसन मेल कुली फीमेल कुली भिस्ती एंड सनराइज. सो जो मिस्त्री है उसका पर डे का रेट वो है 400 रुपीस और उसका जो नंबर ऑफ डेज वो हाफ डेज. सो 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इट मीन्स 200 रुपीस टोटल अमाउंट फॉर मिस्त्री. सेकंड मेसन सो उसका जो रेट वो है 300 रुपीज यानी कि 300 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट मीन्स टोटल अमाउंट 300. मेल कुली नंबर ऑफ मेल कुली 7 उसका रेट 200 सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 7 इट मीन्स 1400. फीमेल कुली 11 नंबर ऑफ फीमेल कुली 11 एंड रेट इज 180 सो 180 मल्टीप्लाइड बाय 11 सो 1980. भिस्ती 200 उसका रेट है और उसका जो क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वांटिटी वो है 2.5 यानी कि 200 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इट मीन्स 500 रुपीज प्लस 50 रुपीज सनरेज. सो टोटल मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट 27104 रुपीज एंड 1.5% वाटर चार्जेस इट मीन्स 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 27104 तो जो अमाउंट आएगी 407 रुपीज. 10% कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट 2710 एंड रेट फॉर 10 मीटर क्यूब रुपीज 30221 एंड रेट फॉर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 3022 रुपीज ओके. सो इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 10 मीटर क्यूब वेट कंक्रीट के लिए 15.2 मीटर क्यूब ड्राई कंक्रीट का रिक्वायरमेंट होगा. सो प्रोपोर्शन हमने यहाँ पे लिया है 1 gem 4 gem 8 यानी कि टोटल प्रोपोर्शन वो टोटल पार्ट है 13 पार्ट. सो सीमेंट इज इक्वल टू 1/13 मल्टीप्लाइड बाय 15.2 यानी कि 1.17 मीटर क्यूब और 1.17 मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय 0.035 इट मींस इज इक्वल टू 33.42 और टोटल 34 वेक्स मिलेगा. उसके बाद सेंड
उसका फोर पार्ट है, 4 × 1.17 इज इक्वल टू 4.68 मीटर क्यूब एंड एग्रीगेट इज इक्वल टू 8 × 1.17 इट मीन्स 8 × 1.17 इज इक्वल टू 9.36 मीटर क्यूब वो हमको मिलेगा। ओके सो इस वीडियो सेशन में हमने यहाँ पे देखा जो रेट एनालिसिस था अर्थवर्क एक्सकेवेशन अप टू 1.5 मीटर डेप्थ, तो उसका रेट आया 85.8 रुपीज। सेकंड सैंड फिलिंग इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, उसका रेट हमको मिला 1 मीटर क्यूब के लिए 950 रुपीज। थर्ड वन ब्रिक बेड सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, उसका जो रेट मिला वो मिला हमको 2487 रुपीज। फोर्थ रेट एनालिसिस एक्टिविटी ब्रिक बेड सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, उसका रेट मिला 2705 रुपीज। उसके बाद ब्रिक बेड लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, तो उसका रेट मिला हमको 1831 रुपीज। एंड सिक्स वन सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, उसका रेट मिला हमको 1 मीटर क्यूब के लिए 3022 रुपीज। ओके सो नाउ दिस वीडियो सेशन इज हियर ओवर। ओके थैंक यू।